दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द आवर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है अगर आपका लिंटेन देना है, मान लीजिए कि 10 फीट 11 फीट 12 फीट अगर चौड़ाई है एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच, और बीच में कोई भी आप पार्टीशन नहीं देना चाहते, कोई भी वॉल नहीं देना चाहते, तो उसको लिंटेन कैसे देना या फिर उस किस तरीके से जो है बेहतर लिंटेन दे सकते हैं हम लोग, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि दिख रहा है आपको कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच 12 फीट 11 फीट का गैप है, जहाँ देखते हैं ये आपका 12 फीट का गैप है, मतलब 12 फीट के बीच में कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग को लिंटेन देना है। पहले हम लोग का जो है यह फ्रेम स्ट्रक्चर पहले छत बन चुका है, तो लिंटेन जो है कैसे रेस्ट करेगा, तो उसके लिए जो हम लोग क्या किया है, साइड में जो है कॉलम के साइड में डबल एसी ब्लॉक का रखने किया गया है, जो कि आपका 6 इंची बाई 8 इंची चौड़ाई का है, तो इतना बीच में कुछ भी सपोर्ट नहीं देगा। इसको लिए क्या करते हैं हम लोग जो है कॉलम में जो है हम लोग फ्रेम कर देते हैं, चार सरिये देने वाले हैं, जिसे कि हम लोग 4 12 के सरिया देंगे, उसमें रिंग देंगे और उसको जो है रिंग देंगे। तो 4 सरिये जो होगा उसको हम लोग कॉलम में ड्रिल करके अपना एक से डेढ़ इंच करके ड्रिल करके भर देते हैं, ताकि कॉलम के साथ जो है लिंटेन का जो है बॉन्ड बन जाएगा इसमें टाइम जो है हम लोग सरिया देने से। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सरिया देना है हम लोग को कॉलम के अंदर, तक इसलिए क्या करें ड्रिल करेंगे, ड्रिल हो रहा है ड्रिल आप इस तरीके से, ऐसा नहीं कॉलम को इसीलिए हम लोग जो है ड्रिल का जो है व्यवस्था किया था, हम लोग आराम से जो है ड्रिल करके उसको इसके साथ साथ इसमें जो है आपका ब्रिक वर्क जो हुआ है, तो हम लोग का जो है आपका सारा एसी ब्लॉक हुआ है, और ये जो है एसी ब्लॉक आपका देख रहे हैं ये आपका 8 बाई 2 इस तरीके से ड्रिल करके जहाँ देख रहे हैं। तो ड्रिल करने के लिए आपको जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ड्रिल किया हुआ है, 4 होल किया हुआ है, और चारों में जो है सरिया घुसेगा आपका 12 का, 4 सरिया 12 का आएगा, और उसके साथ जो है उसके साथ रिंग आएगा, और जो है इसका मोटाई किया जाएगा, ढलाई का मोटाई किया जाएगा आपका 8 इंची का ढलाई करेंगे, तो 8 बाई 8 और 4 12 का सरिया रहेगा, जिससे कि इसमें जो है आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, पूरा लोड जो है ऊपर में रेस्ट कर सके, तो इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा उसका रेस्ट जो है इसमें ले सके। इससे लिए जो है आपको इस तरह का जो है प्रॉपर प्रिकॉशन ले लेना होगा, प्रॉपर तरीके से आपको जो है ले लेना होगा, जितना भी अंदर जा सके सरिया आपको अंदर ले लेना है आपका कॉलम में, ताकि वो जो है उस पर रेस्ट कर सके और उसके साथ अच्छा सा बॉन्ड बना सके सरिया जो है। इस तरीके से आप जो है लिंटेन दे सकते हैं जहाँ पे आपका पूरा ओपनिंग रहेगा 10 से 11 12 फीट तक। अगर 12 फीट से ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको दूसरा अपनाना होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 12 फीट तक है मैक्सिमम, 10 11 12, तो आप इस तरीके से चल सकते हैं। तो ड्रिल करना बेहतर है, आपको कॉलम को कभी भी किसी भी कंडीशन में तोड़ना नहीं है, आपको हमेशा जो है ड्रिल करने के साथ ही आपको आगे चलना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको लिंटेन जो है बनाना है आपको 10 से 12 फीट के अंदर, कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आप इस तरीके से जो है चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अगर आपको किसी भी तरह कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि